बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स की साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 54। यूनिट नंबर 7 इज हियर। योर टॉपिक इज एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। इनके बारे में हम देख रहे थे, देखना है आज हमने एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो आपका जो सब टॉपिक है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट से लेकर 8 तक फिल इन द ब्लैंक्स कम्प्लीट की थी। आज हमारे पास रिमेनिंग है जिनको आज हमने कंप्लीट करना है फ्रॉम 9 to 15। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है, डैश एंड डैश चेंजेस अकर व्हेन सब्सटेंसेस जॉइंट विद ईच अदर। दो चेंजेस होती हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर आती है, जब हम कोई सब्सटेंसेस को या मॉलिक्यूल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर चेंजेस आती है, उनके अंदर तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी हो सकती है, इट मे बी फिजिकल और केमिकल। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब फिजिकल चेंज आए या केमिकल चेंज आए तो फिर वो क्या होता है, सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो वही हमारे पास पूछ रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर व्हेन सब्सटेंस जॉइंट विद ईच अदर। तो इन दोनों में से कोई भी आपके पास आ सकती है। अ डैश चेंज इज वन इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इनमें से कौन सा चेंज है जो ऐसा है जिसमें कोई जो है नया सब्सटेंस बनता नहीं है। तो ये है हमारे पास, अ फिजिकल चेंज इज वन इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसकी जस्ट अपीयरेंस में चेंज आ जाता है, तो उसके नतीजे में कोई भी नया कंपाउंड हमारे पास या सब्सटेंस नहीं बनता। 11th स्टेटमेंट है, अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डैश सब्सटेंसेस विच हैव नॉट अंडरगोन अ डैश चेंज। जो मिक्सचर होता है ये किससे बनता है, ये कंसिस्ट होता है टू सब्सटेंसेस या फिर टू और मोर सब्सटेंसेस विच हैव नॉट अंडरगोन अ केमिकल चेंज। तो मिक्सचर जब हम बनाते हैं, जब भी मिक्सचर बनाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास सब्सटेंस बनेगा जो कि दो या दो सब्सटेंस को मिलाने से एक मिक्सचर बनेगा और उसमें केमिकल चेंज नहीं आएगा। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, डैश एंड डैश। एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला उनका जो ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास मेटल्स का, और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास नॉन मेटल्स का। ठीक है, धातें और गैर धातें जो होती हैं इनको कह सकते हैं। तो इनके दो हमारे पास हमेशा ग्रुप बनते हैं एलिमेंट्स के, एक को हम मेटल्स कहते हैं और दूसरे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। 13th स्टेटमेंट है, टू और मोर डैश ज्वाइंट टूगेदर बाय अ डैश आर कॉल्ड कंपाउंड्स। दो या दो से ज्यादा कौन सी चीज जिसको हम ज्वाइन करते हैं फिर उनके अंदर चेंज आता है, तो हमारे पास हमेशा टू और मोर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं इकट्ठे और उनके दरमियान एक केमिकल चेंज आता है और वो फिर कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन या कंपाउंड की यहाँ से हम छोटी सी डेफिनेशन भी ले सकते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस ज्वाइन टुगेदर बाय अ केमिकल चेंज दे फॉर्म कंपाउंड्स और आर कॉल्ड कंपाउंड। तो उनको कहते हैं कि तब कंपाउंड बनेगा जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज जो है ज्वाइन होंगे और उनके दरमियान कोई कीमियाई तब्दीली आएगी। The constituents of a dash can be separated by simple physical means. किसी भी चीज के अज्जा जो है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मीन्स से। तो जो अज्जा होते हैं मिक्सचर के उसको कैसे अलग किया जा सकता है, उनको हम लोग किसी भी फिजिकल मीन्स से अलग कर सकते हैं मिक्सचर के। तो यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूट मिक्सचर के, किसी भी सादा जो है फिजिकल तरीके से हम उसको अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता, मिक्सचर को अलग किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय डैश मीन्स। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा तो ये इसी तरह कंपाउंड आ जाता है, जो कंपाउंड के अज्जा होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं उनको हम लोगों को अगर सेपरेट करना है तो कोई कीमियाई अमल करना पड़ेगा, केमिकल मीन्स होगा जिसके जरिए हम उसको सेपरेट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।